हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 के शेड्यूल, फॉर्मेट और इसकी स्टार्टिंग डेट को लेकर बीसीसीआई ने कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली है आईपीएल की सारी फ्रेंचाइज के साथ में। और इसके साथ ही हमें यहां पर बीसीसीआई की ओर से तीन बड़े डिसीजंस आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर सुनने को मिले हैं। तो क्या अपडेट्स बीसीसीआई ने आईपीएल के शेड्यूल के ऊपर दी हैं, यही सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट नंबर 1 की। और ये यहां पर निकल कर आ रही है बीसीसीआई की साइट से आईपीएल के फ्यूचर को लेकर, जहां पर फ्रेंचाइज के बीच में जो भी डिस्कशन हमें देखने को मिला कॉल पर, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के जरिए मीटिंग हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकली ये मीटिंग होना पॉसिबल नहीं था लॉकडाउन के चलते। और इसमें से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के लिए, वो ये है कि आईपीएल 2020 को इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बीसीसीआई इस मामले में खुद इतनी ज़्यादा अनसर्टेन है कि यहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका है, उसके बाद भी हमें क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर नहीं। काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी इस बात की है कि लॉकडाउन हमें बढ़ते हुए नज़र आने ही आने वाला है। तो ऐसे में बीसीसीआई को कोई भी आइडिया नहीं है आईपीएल 2020 के बारे में, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए आईपीएल 2020 के शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया है। यानी कि बीसीसीआई के दिमाग में कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था, कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर, जिसकी वजह से लॉकडाउन तक तो बीसीसीआई के पास कोई भी तरीका नहीं है आईपीएल 2020 को करवाने का। फिलहाल हम बात करते हैं अपडेट नंबर 2 की, जो कि आईपीएल 2020 के रिगार्डिंग निकल कर आई है इस मीटिंग से। और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बीसीसीआई ने सितंबर अक्टूबर की विंडो को अभी भी ओपन रखा है। हालांकि इस विंडो के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाकी के क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे कि इंग्लैंड का है या फिर ऑस्ट्रेलिया का है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आईपीएल को इस विंडो में कराने के लिए। वो इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि वो प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की। लेकिन बीसीसीआई ने अभी अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं और सितंबर से अक्टूबर ही एक ऐसी विंडो है अब जिसमें आईपीएल होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, क्योंकि इस विंडो में यहां पर डबल हेडर्स को बीसीसीआई बढ़ाने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही जो वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उनको बीसीसीआई कट डाउन करने का सोच रही है, और वहां पर भी किसी भी तरीके से आईपीएल को एडजस्ट करने का प्लान बना रही है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए यह बोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि बीसीसीआई को आईसीसी के द्वारा यह विंडो प्रोवाइड करी जाएगी या फिर नहीं। फिलहाल हम बात करते हैं अपडेट नंबर 3 की, जो कि इस मीटिंग से निकल कर आई है और ये जुड़ी हुई है टीम इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट से। अब ये तो सभी को पता है कि ना सिर्फ इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी जो भी चैंपियनशिप होती हैं या फिर जो भी हमें क्रिकेट देखने को मिलता है, वो भी अभी तक बंद चल रहा है। और ऐसे में बीसीसीआई ने प्लान किया है कि जैसे ही 2021 स्टार्ट होता है, वैसे ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ पर इस बार जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितने भी टूर्नामेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही बीसीसीआई स्टार्ट करवा देगी। अब ये स्टेटमेंट यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अगर बीसीसीआई उससे पहले आईपीएल को प्लान कर रही है, उसके जस्ट बाद ही डोमेस्टिक क्रिकेट को भी प्लान कर रही है, तो मतलब बहुत सारा क्रिकेट बीसीसीआई प्लान कर रही है लॉकडाउन के बाद। और ये होना भी था क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान बीसीसीआई को क्रिकेट ना होने की वजह से हो रहा है। और ऐसे में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, तो बीसीसीआई का सीधा सीधा प्लान है कि भर भर के यहां पर फैंस को क्रिकेट दिया जाए और इतना क्रिकेट दिया जाए कि सारा लॉस यहां पर रिकवर हो जाए लॉकडाउन के पहले का। तो ये तीन बड़ी अपडेट्स बीसीसीआई की मीटिंग से निकल कर आ रही है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आईपीएल 2020 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।